Welcome to another interaction with Srishti Shukla. Srishti बहुत मेहनती लड़की है और बहुत हसमुख है, हमेशा हंसती रहती है, अभी हंस रही है जैसा कि देख रहे हैं आप लोग. और ये इन्होंने 10th में बहुत अच्छे नंबर ये लाई है और इनको अभी हम बधाई देते हैं अरविंद सिंह अकेडमी की तरफ से. सृष्टि वेल डन एंड कंग्रेचुलेशंस, यू गॉट गुड, वेरी गुड मार्क्स. अब आप बताओ कि आप 10th में कितने मार्क्स आए और आपने कैसे पढ़ाई की थी? सो मुझे 10th में 83% है, जिसमें मुझे मैथ्स में 93 है और साइंस में 89 है. सो मैंने मतलब ज्यादा पढ़ाई की नहीं थी, मतलब लेकिन जितने पढ़ाई की थी वो मन से की थी. मतलब ये नहीं कि मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, टीवी फोन सब कुछ साथ में लेके मैंने पढ़ाई की थी. मतलब सबकी तरह मुझे 91 92 या 93 तो नहीं आया, बट मैं सोचती हूँ कि ये अच्छे मार्क्स है और मैं 12th में इससे ज्यादा ला सकती हूँ, क्योंकि बोर्ड इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. आई थिंक ठीक है. सबसे बड़ी बात है कि आज की जनरेशन में, इसमें एक पॉजिटिव बात आप ये ले सकते हो कि आज की जनरेशन में जिसके 98% आते हैं वो भी पेरेंट्स डिससैटिस्फाइड रहते हैं कि इसके 100 क्यों नहीं आए. बच्चा भी डिससैटिस्फाइड रहता है, लेकिन देखो इसकी स्पिरिट देखो और इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो, पॉजिटिव थिंकिंग देखो कि ये जितने भी नंबर आए हैं उससे संतुष्ट है, अपनी हार्डवर्क से संतुष्ट है. और मार्क्स इसके हिसाब से ऐसा मैं समझता हूँ कि क्राइटेरिया नहीं है इंटेलिजेंट होने का. दूसरों के मार्क्स कुछ भी आए, सबसे पहले स्टूडेंट को अपनी देखना चाहिए कि आपने कितना काम किया है, कितना हार्डवर्क किया है. जैसे बता रही है कि इन्होंने सब कुछ पढ़ाई लिखाई भी किया, खेलकूद भी किया, मस्ती भी किया, तो इसके जो मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से सेटिस्फाइड है. ओके वेल डन. और बताओ कि आपका फ्यूचर में क्या टारगेट है? फ्यूचर मुझे IIT JEE मेंस के साथ जाना है रोबोटिक्स में. सो क्योंकि मुझे रोबोट्स का बहुत शौक है बचपन से, इसीलिए मैं वही करना चाहती हूँ. अगर वो नहीं होता है तो फिर मैं मीडिया में जाना चाहूंगी. मुझे पता है ये दोनों बिल्कुल अलग एम्स है, बट आई थिंक मैं कर सकती हूँ. अच्छा ठीक है. तो आपने अभी यहाँ पे नॉन मेडिकल में ज्वाइन किया है, इसी बात को दिमाग में रखे कि आपको IIT में जाना है. यस ओके. So, ये अरविंद सिंह एकेडमी की नॉन मेडिकल बैच के स्टूडेंट्स हैं और टारगेट बैच के स्टूडेंट्स हैं. इनको IIT JEE के लिए यहाँ पे तैयार करवाया जाता है. और अभी अभी 11th में आके आपको कैसा लग रहा है सिलेबस एंड ऑल? 11th में आके मुझे लग रहा है कि वो 10th से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अपार्ट है. 10th वाज लाइक मतलब हम क्या बोलते हैं, 9th और 11th मुझे लगता है कि वो सेम है और 10th और 12th सेम है. लोग कहते हैं कि 10th में और 12th में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ये करना पड़ता है. मुझे मैं सोचती हूँ कि 9th और 11th में आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक 10th में आपका कुछ हो ही नहीं सकता या 12th में, क्योंकि 9th आपका बेस होता है और 11th आपका बेस होता है 12th में जाने के लिए. क्योंकि 9th में आपको सब कुछ, मुझे लगता है कि सब कुछ नया नया पढ़ाया जाता है. मतलब बहुत सारी चीजें नई नई रहती है, मतलब रहता है कुछ पुराना लेकिन कोई बहुत सारी चीजें नई भी रहती हैं. सो मुझे लगता है कि 9th अगर आप 9th में नहीं पढ़ोगे तो 10th में नहीं कर पाओगे, अगर आप 11th में नहीं पढ़ोगे तो 12th में नहीं कर पाओगे. मतलब ये 9th फॉर दोज हु आर गोइंग इन 10th, 9th 10th में 9th बड़ा क्रूशियल है और 11th 12th में 11th बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि 11th में बहुत एंटायरली डिफरेंट होता है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये कहना चाहती है. अच्छा एक बात बताओ, आजकल बड़े ही पेरेंट्स जो हैं वो लेकर कैसे संकित रहते हैं, पेरेंट्स के बड़े सारे कंप्लेन हमारे पास भी आते हैं. तुम्हारे पेरेंट्स भी शायद मना करते होंगे फेसबुक और व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया यूज ना करने के लिए, क्या ऐसा है? अभी पेरेंट्स है तो मना तो करेंगे ही, लेकिन कम मना करते हैं, क्योंकि मैं खुद पे भी संतुलन रखती हूँ कि हाँ ठीक है मुझे आधा घंटा फोन देखना है, फिर 2 घंटे पढ़ाई करनी है. हर चीज को मैं मतलब मिला के चलती हूँ. ये दुनिया नहीं कि मैं दिन भर सोशल मीडिया पर बैठी रहती हूँ या फिर मतलब इट्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है, क्योंकि अगर आप 1 घंटे सोशल मीडिया बैठोगे आपको लगता है बस 10 मिनट हुए और अगर आप पढ़ाई, लेकिन सोशल मीडिया से क्या रहता है कि आपका पढ़ाई से भी मन हटने लगता है. तो आप दोनों चीजें करो. पेरेंट्स तो अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, लेकिन कभी कभी रहता है कि कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चों को पहले तो खुली आजादी देते हैं, उसके बाद फिर जब बोर्ड आते हैं तो उनको बांध देते हैं. तो बच्चों को थोड़ी तो टेंशन होगी नहीं, तो धीरे धीरे करो ना. 9th में हो तो 9th से धीरे धीरे बोलो कि हाँ ठीक है फोन थोड़ा कम देखो, टीवी थोड़ा कम देखो, सोशल मीडिया थोड़ा कम यूज करो. लेकिन अभी 9th में आप आराम से देख रहे हो, 11th में आराम से देख रहे हो, 12th में आगे सब था.
लेकिन आपका मन तो करेगा ना देखने का, अभी इंसान तो मैं ही, देखना तो पड़ता ही अच्छा है। ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया मैसेज है पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे संतुलन रखते हुए कंट्रोल करना चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया का और फोन का, टेलीविजन का इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिव वे में भी किया जा सकता है, बच्चे उससे बहुत सारे मटेरियल ले दे सकते हैं और लोगों से प्रॉब्लम डिस्कशन भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चैनल्स हैं जिसको देख सकते हैं। तो हमेशा पेरेंट्स को नहीं टोकाटाकी करनी चाहिए, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं और थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। ओके, सो आप बताओ कि आपको बहुत जल्दी कि अरविंद सिंह एकेडमी में इतने जब से आई है तब से तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ाई लिखाई और यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा तो यहाँ पे मुझे आया हुआ है, अभी सिर्फ 20 दिन हुए हैं, है? मैंने 11 से यहाँ पे ज्वाइन किया है। मतलब मैंने अभी तक केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की क्लासेस की हैं। तो केमिस्ट्री में भी टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स समझाते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 3 4 बार समझाते हैं, फिर हमें नोट्स देते हैं जो अगर हम घर जाके पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ बैठ जाते हैं। मुझे लगता है कि हाँ मैंने सही किया अरविंद एकेडमी में आके, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, थैंक यू, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो शुभकामनाएं। मच। थैंक यू वेरी मच सृष्टि।